अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट रिसेंटली लेक्चर के अंदर हमने जो है ना अपनी जो एक्सरसाइज थी 1.2 उसको हमने कंप्लीट किया था। आज बेटा जो है ना 1.3 एक्सरसाइज का बाकी आगाज करते हैं। तो बेटा 1.3 एक्सरसाइज वो बिल्कुल रिलेटेड है जिस तरह आप लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 5 9 क्लास के अंदर पढ़ा था जिसके अंदर हमने रिप्लेसमेंट की थी, बिल्कुल सेम है उसी तरीके से। हमें यहाँ पर आप लोगों को जो टाइप 1 से रिलेटेड है 1.3 एक्सरसाइज से पहले जिसके अंदर हमने जो है ना रिड्यूसिबल मीन जो हमें वो क्वेश्चन देगा जो हमें इक्वेशन देगा हम उसको रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करने के बाद हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बेटा, अब इसकी जो जनरल फॉर्म है वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। जनरल फॉर्म को अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा फिर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है बेटा, अब देखें जो टाइप 1 की बेटा जनरल फॉर्म है हुआ बेटा a x की पावर 4 प्लस b x की पावर 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब बेटा मैं कहता हूं कि ये हमारे पास एक अगर मैं कहूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या ये बेटा हो सकता है? नथिंग, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बेटा हमने क्वाड्रेटिक के हवाले से पढ़ा है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी 2, तब तो वो क्वाड्रेटिक होगी। अब ये जो इक्वेशन है बेटा ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी बेटा? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन ये जिसके अंदर जिस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 होगी तो कौन सी होगी? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बेटा हम देखते हैं अगर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसको हम जो है ना उसका सोल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे। तो बेटा याद रख लें अगर लीनियर इक्वेशन होगी तो उसका एक ही रूट निकलेगा, एक ही आंसर रहेगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके बेटा दो रूट रहेंगे मीन दो सोल्यूशन रहेंगे। ठीक है बेटा, सोल्यूशन सेट के अंदर जब दो एलिमेंट होंगे वो जीरो भी हो सकता है, -1 -2 -4 एनी कोई भी हो सकता है। ठीक है बेटा, अब देखें अगर ये बाई क्वाड्रेटिक है मीन वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है 4 तो समझे इसके जो सोल्यूशन आएंगे वो कितनी होंगे? 4। इसके 4 रूट होंगे। जब मैं सॉल्व करूंगा देखेंगे अगर 4 रूट आ गए तो हमारा क्वेश्चन ठीक होगा, अदरवाइज हमारे क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन होगी। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करने का तरीका तो बेटा याद रख लें जब बाई क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कन्वर्ट करेंगे तो याद रख लें अगर वो इन टर्म ऑफ x इक्वेशन दी हुई है तभी बेटा इन टर्म ऑफ x हम उसको रिड्यूस करेंगे इन टर्म ऑफ y वेरिएबल y न्यू वेरिएबल y में करें या z में ये बेटा तुम्हारी अपनी चॉइस है, तुम्हारी अपनी मर्जी है। अगर इन y क्वाड्रेटिक है इन टर्म ऑफ x है तो हम उसको इन टर्म ऑफ y में कन्वर्ट करेंगे वो बाई क्वाड्रेटिक से जनरल क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा, या इन टर्म ऑफ जेड के वो तुम्हारी अपनी मर्जी होगी बेटा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट का पता हो। ठीक है बेटा, अब चेंज करने का तरीका देखिए बेटा। सबसे पहले बेटा यहाँ पर नेट कर ले जो वेरिएबल की मिनिमम पावर है, क्या है मिनिमम पावर, उसको न्यू वेरिएबल के इक्वल रिप्लेस कर दें। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर नेट करते हैं कि x की पावर 2 को न्यू वेरिएबल को कौन सा बेटा y, अगर x स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर ली है तो वेरी बात है x की पावर 4 को भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नीचे लिखें टेकिंग स्क्वायर, ठीक है बेटा यहाँ पर मेंशन कर दें टेकिंग स्क्वायर कि हम क्या ले रहे हैं दोनों अपना मुरब्बा ले रहे हैं स्क्वायर ले रहे हैं टेकिंग स्क्वायर हां कहां पर बेटा हां बोथ साइड कि हम दोनों अपना क्या ले रहे हैं स्क्वायर ले रहे हैं। जब स्क्वायर लेंगे बेटा ये x की पावर 4 और ये y की पावर क्या हो जाएगा 2। अब इसको रिप्लेस करें जनरल इक्वेशन के अंदर, तो बेटा देखें जब जनरल इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे रिजल्ट क्या है बेटा a और x की पावर 4 की नंबर क्या आ जाएगा y की पावर 2 प्लस b
बाय और ये प्लस का सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। तो बेटा देखें ये हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसको पुराने ट्रीपी के जरिए इसको सॉल्व करेंगे। हमारी मर्जी है फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व करें, हमारी मर्जी है कि हम इसको कंप्लीट इंटीजर के लिए सॉल्व करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। तो जिस मेथड से आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आप लोगों का वही सेम आएगा, चाहे फैक्टराइजेशन से फैक्टराइजेशन फर्स्ट टर्म टू और थ्री आ गया, कंप्लीटेंस किया से भी टू और थ्री आएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी टू और थ्री आएगा। तो बेटा यहाँ पर जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले जब सॉल्व करेंगे y की दो वैल्यू आएगी, क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट देंगे। देखो दो रूट जब आप निकाल लेंगे फिर आपको यहाँ पर y की जगह पर पुट करेंगे, पहला रूट पुट करेंगे तो x की दो वैल्यू होगी, दूसरा रूट पुट करेंगे तो x की दो वैल्यू होगी, मीन टोटल कितनी रूट होंगे, चार रूट, और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब बेटा इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको उसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो बेटा देखें जो हमारी एग्जाम्पल नंबर वन है उसकी जो स्टेटमेंट है वो है बेटा x की पावर 4 माइनस 13x की पावर 2 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो बेटा सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन का प्रोसीजर बना लें, सबसे पहले बेटा लिखें गिवन डेटा, गिवन डेट x की पावर 4 माइनस 13x प्लस आगे लिखा बेटा 36 इज इक्वल टू क्या है बेटा 0, नीचे लिखे बेटा 2 1। टू फाइंड के अंदर बेटा लिखे x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर लिखे एज जैसा है, पहले तो उसी क्वेश्चन को मेंशन कर दें फिर आगे चलते देखते हैं कि इसको कैसे तरीके से सॉल्व करेंगे। x की पावर 4 माइनस 13x या बेटा प्लस 36 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 0। बेटा ये 13x नहीं है, ये 13x की पावर क्या है 2, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, अभी मैंने बताया, अब पहले गौर करें क्या ये वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये टाइप 1 से रिलेटेड है। तो बेटा देखें ये ऑलरेडी टाइप 1 से रिलेटेड है क्योंकि x की पावर 4 x की पावर 2 ये क्या कौन सी इक्वेशन है बेटा, ये वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये y क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैंने पहले बताया अगर ये इन टर्म ऑफ x है तो हम इसको रिड्यूस करेंगे, न्यू वेरिएबल वो तुम्हारी मर्जी होगी बेटा इन टर्म ऑफ y ले जाए या इन टर्म ऑफ z ले जाए। तो यहाँ पर बेटा मैं मेंशन कर देता हूँ, जहां पर पहले फर्ज कर ले लेट कर ले, जहां पर मैं लिखता हूँ x की पावर 2 इज इक्वल टू न्यू वेरिएबल कौन सा बेटा y। अब x की पावर 2 तो रिप्लेस हो गया और किसको करेंगे x की पावर 4 को, तो बेटा और करें बोथ साइड पर ले स्क्वायर, जब स्क्वायर लेंगे तो ये x की पावर 4 और ये y की पावर क्या हो जाएगा 2। अब दोबारा अपने उसी ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर इसको मेंशन करें रिप्लेस करें, तो बेटा देखें x की पावर 4 की जगह पर क्या पुट करेंगे y की पावर 2 माइनस का क्या होगा बेटा 13y और ये प्लस का क्या होगा 36 इक्वल टू क्या होगा बेटा 0। अगर आप लोग बेटा रोल करें क्या ये हमारी जनरल फॉर्म भी बन गई जो हमने क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है ax प्लस bx प्लस c। फर्क क्या है a की वैल्यू पुट की हुई है b की और c की, लेकिन x की जगह पर y लिखा हुआ है, मींस ये इन टर्म ऑफ कौन सी इक्वेशन होगी y और इक्वेशन होगी कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर बेटा सबसे आसान मेथड है फैक्टराइजेशन वाला, फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन करने के बाद y के हम दो रूट्स निकालते हैं। तो बेटा देखें 36 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, y का कोएफिशिएंट कौन है 1, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितनी होगा 36 मीन मजा आ जाएगा हमारे पास माइनस का 9 माइनस का 3 रिजल्ट जाएगा माइनस का 13। अब यहाँ पर बेटा पुट करते हैं, यह देगा हमारे पास y की पावर 2 माइनस का 9y
या जो माइनस का फोर बैंड और ये प्लस का क्या होगा थर्टी सेट, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा जीरो। अब ये टोटल चार टर्म्स बन गए, दो दो का पेयर बने। अब आप लोग वाई स्क्वायर को अटैच करें नाइन वाई के साथ, फोर वाई को अटैच करें थर्टी सिक्स के साथ। तो बेटा देखें पहले पेयर में से वाई को कॉमन निकालें, वाई माइनस नाइन माइनस का फोर इंटू वाई माइनस का क्या हो जाएगा नाइन, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा जीरो। अभी देखें मजीद y माइनस नाइन को कॉमन निकाले और ये y माइनस का फोर ये इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। अब बेटा देखें आई सर, अब एक वैल्यू के y की क्या होगी y माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, दूसरी क्या होगी बेटा y माइनस फोर ये इक्वल टू क्या होगा जीरो। तो यहाँ पर बेटा मैं यहाँ पर इसका जो प्रीवियस जो इसका नेक्स्ट सोल्यूशन है वो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। तो बेटा देखे रिजल्ट आएगा मेरे पास y माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो और दूसरा देगा बेटा y माइनस फोर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। अब एक y की वैल्यू आ जाएगी बेटा नाइन के इक्वल और एक वैल्यू आ जाएगी बेटा y इज इक्वल टू फोर के इक्वल। ये मैंने बताया था ये जो हमने वैल्यू निकाल ली है जहां हमने सपोज किया था वहां पे जाकर इसको दोबारा रिप्लेस कर देंगे। ठीक है बेटा, अब देखें जहां पर रिप्लेस करें x की पावर 2 इज इक्वल टू y मीन क्या होगा 9, x की पावर 2 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 4। मुझे x क्या नहीं चाहिए, मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो बोथ साइड पर चलेंगे स्क्वायर रूट। तो बेटा इधर आ जाएगा मेरे पास x की पावर 2 इधर भी स्क्वायर रूट और ये प्लस माइनस 9 के ऊपर जा देगी स्क्वायर रूट और ये x की पावर 2 स्क्वायर रूट प्लस माइनस 4 के ऊपर जा देगी बेटा स्क्वायर रूट। अब x की कितनी वैल्यू होगी 2 प्लस माइनस का 3। तो इधर से क्या आएगा बेटा x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 4 देगा 2। अब देख ले बेटा 2 रूट 4 से और 2 रूट 4 से अगर 4 रूट आ गए तो समझे हमने जो इसका सोल्यूशन निकाला वो हमारा ठीक है। अब लास्ट में जाते बेटा सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू पहले आपको प्रूव कर दें प्लस माइनस 2 और बाद में प्रूव कर दें प्लस माइनस का 3। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो बेटा इसको आप लोग अच्छे तरीके से तवज्जो के साथ कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि बेसिक चीजें मैंने यहाँ पर क्लियर करा दी है। अब बेटा एक फाइल में चलते हैं, एक क्वेश्चन मैं यहाँ वहां से करवा देता हूँ, जो बाकी क्वेश्चन है वो आप लोग बेटा खुद कीजिएगा, इंशाल्लाह उसके अंदर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो बेटा देखें एक्सरसाइज के अंदर इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन आप लोग इजीली कर लेंगे, दूसरा क्वेश्चन इजीली कर लेंगे, तीसरा और ये चौथा पार्ट और ये दिया हुआ है पांचवा पार्ट। अब देखे बेटा मैं आप लोगों को जो है ना चौथा पार्ट मैं करा देता हूँ या फिर तीसरा पार्ट, देखिए बेटा तीसरा पार्ट मैं आप लोगों को करा देता हूँ, चौथा भी आप लोग खुद कीजिएगा, पांचवा पार्ट भी आप लोग खुद कीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 6 से आगे जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टाइम है। तो बेटा इसका तीसरा पार्ट देखें, सबसे पहले तो बेटा लिखे गिवन डेटा, दिया जाएगा हमारे पास गिवन डेटा, गिवन के बाद बेटा उसने क्वेश्चन दिया है उसने कहा 5x की पावर 1/2। मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा 5x की पावर है 1/2 इज इक्वल टू, आगे बेटा उसने बता दिया है 7x की पावर 1/4, यह देखा बेटा 7x की पावर 1/4 माइनस कब क्या लिखा हुआ है बेटा 2। अब आप लोग बेटा गौर करें, अब ये क्वेश्चन उसने दी है वो कहता है कि आप लोग मुझे सॉल्व करके दे सॉल्यूशन निकाल के दे। तो बेटा अब मुझे बताएं जो प्रीवियस क्वेश्चन दिया वो तो था बाई क्वाड्रेटिक का, वो तो मैं इजीली नजर आ रहा था कि उसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी थी बेटा 4, कितनी थी 4। अब इसके अंदर ये तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, अगर ये फ्रैक्शन में है तो परेशानी वाली बात नहीं है, इसके अंदर x की एक टर्म ऐसी होगी
जो अगर वो हमारे पास एक्स है तो दूसरी टर्म होगी वो उसका स्क्वायर होगी, क्या होगी बेटा स्क्वायर। बेटा देखें ये हमारे पास है 1 ओवर 2, क्या दिया हुआ है 1 ओवर 2, ये x की पावर 1 ओवर 4। अगर मैं वो x की पावर 1 ओवर 4 को लिखूं y के इक्वल, किसके इक्वल y के इक्वल, अगर मैं इसका लूंगा स्क्वायर, क्या लूंगा स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 2 ओवर 4, मीन 1 ओवर 2 1 ओवर 2 तो है पूरा एरिया हमारे पास क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नीचे बेटा जहां पर मेंशन कर दें 2 पॉइंट के बाद नीचे में किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। अब पहले बेटा उसी क्वेश्चन को दोबारा मेंशन करें, लेकिन आप लोग इसकी तरकीब दे दें बेटा, निकाल क्या होगा 5x की पावर 1 ओवर 2 माइनस 7x की पावर 1 ओवर 4 और ये प्लस का 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0। अब हम पहले इसको सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं बेटा, मैं लेट कर लेता हूं x की पावर 1 ओवर 4 इज इक्वल टू किसकी पावर y के इक्वल। बेटा अगर आप लोगों ने 1 ओवर 2 को लेट किया तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 ओवर 2 जब किया लेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वे 1 ओवर 4 को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए मिनिमम पावर कौन सी है 1 ओवर 4, 1 ओवर 4 को लेट करेंगे y के इक्वल। अब बोथ साइड पर बेटा ने स्क्वायर, जब स्क्वायर लेंगे बेटा x की पावर 1 ओवर 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा y की पावर 2, क्योंकि जब बेटा इसका लेंगे स्क्वायर, देखें x की पावर 1 ओवर 4 टोटल की पावर 2, तो ये x की पावर 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई 2 इधर 1, तो नीचे क्या जाएगा 2, और इधर भी जाएगा बेटा x की पावर 1 ओवर 2। तो यहाँ पर बेटा मैंने इसको डायरेक्ट कर दी है, इसलिए बेटा आपको भी मर्जी है यहाँ पर नीचे लिखे कि टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड या डायरेक्ट कर दे, वो तुम्हारी बेटा अपनी मर्जी है। अब देखिए बेटा, अब दोबारा उसी क्वेश्चन को लेते हैं जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, वो हमारे पास है 5 y की पावर क्या हो जाएगी 2 माइनस 7 y और ये प्लस का क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0। अब देखें अब हमारी मर्जी है, हम ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कंप्लीटेड कैसे करें, बाय कैलकुलेशन करें या क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें, तीनों से आंसर होगा अपने, लेकिन आसान तरीका कौन सा है फैक्टोराइजेशन वाला। अब पहली टर्म लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस करें दरमियान आराम करना चाहिए, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें लास्ट कहेगा 10, कहेगा बेटा 10, अगर माइनस का 5 माइनस का 2 लिखे रिजल्ट जाएगा माइनस का 7। तो यहाँ पर बेटा खुद करें, पहली टर्म को ना छेड़े, 5 y की पावर 2 माइनस का 5 y माइनस का 2 y प्लस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0। अब देखें ये 5 y स्क्वायर को 5 y से अटैच करें, 2 y को ये डायरेक्ट आप लोग 2 से अटैच कर दें, इधर से बेटा क्या कॉमन होगा 5 y बाकी से y माइनस का 1 माइनस का 2 कॉमन निकालें, y माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0। अब देखें y माइनस का 1 फिर कॉमन आ रहा है, 5 y माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0। अब एक बार y माइनस 1 को 0 रखें, देखें बेटा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इसका रिजल्ट है बेटा 5 y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 और इधर से बेटा 5 y इज इक्वल टू 2 और y की जो वैल्यू होगी बेटा y इज इक्वल टू 2 ओवर नीचे का जगह बेटा 5। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो हम इसके दो रूट्स निकाल लिए, अब मुझे तो इन टर्म ऑफ x भी x के रूट्स चाहिए, दोबारा जहां हमने लेट किया था वहां पर जाकर ये वैल्यू पुट कर दें, तो बेटा देखिए अब हमारे पास जो आंसर होगा वो x की पावर 1 ओवर 4 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 1 और ये x की पावर 1 ओवर 4 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 2 ओवर नीचे का जगह 5। अब बेटा आपको होश है, ये हमारे पास है 1 ओवर 4 मींस ये फोर्थ रूट की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है
वैल्यू ऑफ बोथ साइड पर पावर फोर ले लें मीन बाई क्वाड्रेटिक ले लें तो रिजल्ट इसका जाएगा बेटा x की पावर 1 और 4 टोटल की पावर क्या होगी बेटा 4 इज इक्वल टू 1 की पावर क्या होगी 4 4 से 4 कैंसिल x इज इक्वल टू बेटा क्या देगा 1 अब इधर साफ करते बेटा x की पावर 1 और 4 टोटल की पावर 4 और ये 2 ओवर 5 टोटल की पावर 4 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल x इज इक्वल टू बेटा 2 की पावर 4 और ये 5 की पावर क्या हो जाएगा बेटा 4 अब इसके बारे में बेटा हमने फार्मूला पढ़ा है एंड वी नो दैट a की पावर क्या हो जाएगा बेटा a की पे ओवर b और होल की पावर क्या हो जाएगा बेटा n और इसका जो ये जो इक्वल होगा यह देगा a की पावर n और b की पावर n के इक्वल अब देखें 2 की पावर 4 2 की पावर 4 का मतलब बेटा 16 5 की पावर 4 का मतलब बेटा क्या होगा 625 फाइनल जो रिजल्ट होगा जो सलूशन सेट होगा बेटा वो 1,16 ओवर 625 तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा जिसकी उसने हमसे डिमांड की थी तो बेटा बाकी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से खुद कीजिएगा बेटा इसका जो पांचवा पार्ट है वो है 3x की पावर माइनस 2 3x की पावर माइनस 2 प्लस का 3 इज इक्वल टू 8x की पावर माइनस 1 8x की पावर माइनस 1 को बेटा इधर ले जाएंगे वो माइनस का हो जाएगा तो मिनिमम पावर आप लोग x की पावर माइनस 1 को लेट कर लेंगे y के इक्वल फिर बोथ साइड पर स्क्वायर लेंगे वो बन जाएगा x की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू y की पावर 2 फिर तरतीब देंगे उसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आप लोग अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लेक्चर अच्छे तरीके से सुना होगा समझा होगा और इसकी प्रैक्टिस भी आप लोग करेंगे मुझे आप लोगों के ऊपर बेटा उम्मीद है तो बेटा इसी उम्मीद के साथ तब तक के लिए इजाजत दीजिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू वेरी मच।